Where are तो माय नेम इज़ असमा महिदीन, आई एम फ्रॉम नौगाम. मैंने बीटेक फूड टेक्नोलॉजी किया है IUST से एंड MSc फूड टेक्नोलॉजी कश्मीर यूनिवर्सिटी से. और हमारी जो बेकरी है उसका नाम है हिलो मकबज. ये स्टार्ट हो गया था हमारा कि हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाने का जो इनिशिएटिव, ये स्टार्ट हमने किया था 2020 से ही. फ़र्स्ट हमने बिस्किट से ही स्टार्ट किया था, फिर हमने ट्रांस फैट फ्री प्रोडक्ट्स अपने बनाए थे, और आज इंशाल्लाह जो 2022 में आज हमने फोर्टिफाइड ब्रेड लॉन्च की. ये तब लॉन्च हो सकी जब हमें गाइडेंस प्रॉपर मिली फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से. पर्टिकुलरली मैं नाम लेना चाहूँगी मिस्टर विवेक अरोरा, जो कि है सीनियर एडवाइज़र फूड फोर्टिफिकेशन एंड रिसर्च सेंटर FSSAI दिल्ली, और मिस्टर यामिनुन नबी, नोडल ऑफिसर फॉर द कश्मीर डिवीजन फॉर फूड फोर्टिफिकेशन. वो हमारे एडवाइज़र हैं, उन्होंने हमें प्रॉपर गाइडेंस दी एंड उनकी गाइडेंस की वजह से उन्होंने आइडिया दिया कैसे काम करना है. उनकी गाइडेंस की वजह से आज हम ये लॉन्च कर रहे हैं फोर्टिफाइड ब्रेड, विच इज़ फोर्टिफाइड विद फोलिक एसिड, विटामिन B12 एंड आयरन. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल्स हमने इसमें डाले नहीं हैं, प्रीमिक्स हमने ऐड किया हुआ है. ओबियसली वी नो आयरन, फोलिक एसिड, B12 प्रेग्नेंट वूमेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो हमारी जो ब्रेड है इट्स फोर्टिफाइड विद दीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. सो वी ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी ही होगी, बिकॉज हमने ऑलरेडी टेस्ट्स किए हुए हैं अपने ब्रेड की. उसके बाद हमने R&D भी किया हुआ है अपने ब्रेड के एंड हमें अल्हम्दुलिल्लाह गुड रिजल्ट्स आए हैं. तो ओबियसली उनमें भी गुड रिजल्ट्स आ जाएंगे एंड उनके लिए भी ये हेल्प फुल होगा इंशाल्लाह. जी, ये आइडिया असल में मिस्टर विवेक अरोरा का ही था. उन्होंने ही गाइडेंस किया कि आप ब्रेड में बनाइए, बिकॉज ब्रेड पहले ही होता है, ये HFSS कैटेगरी में नहीं आता है. दैट मीन्स ना इसमें हाई फैट होता है, ना हाई शुगर, ना हाई सॉल्ट कंटेंट होता है. सो इसमें ऑलरेडी ये हमारा पॉजिटिव आस्पेक्ट है इसका. सो ओबियसली इसमें हम और एडिशन करके इसको और बेटर बना सकते हैं. सो आइडिया उन्होंने ही दिया, मिस्टर यामिनुन नबी जो है उन्होंने भी ये आइडिया हमें दिया, गाइड किया. उन्हीं की बदौलत जो है हमने ब्रेड में ये चीज़ें स्टार्ट की और ऐसी ब्रेड बनाई. अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मकसद है, आज का मकसद है कि इंसानियत की खदमत करना सबसे पहला मेरा मकसद है. दूसरा मकसद है मेरा बेकरी इंडस्ट्री को बूस्ट देने का. बेकरी, कश्मीर की बेकरी वर्ल्ड वाइड मानी जाती है. दिमाग में बार बार आ रहा था कहीं हमारे कश्मीर के शाल और कालीन की का हशर ना हो जाए और बाहर से बेकरी आए और यहाँ मेड इन कश्मीर लिखें. इसीलिए मैंने इनिशिएटिव लिया है कि बेकरी को गो हेल्दी बनाने का, ये मेन हमारा मकसद है. गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला, फुली सपोर्ट आज तक, मतलब जो भी फूड सेफ्टी का डिपार्टमेंट, वी आर वेरी थैंकफुल अपने पूरे डिपार्टमेंट का, पर्टिकुलर में यामिनुन नबी साहब और विवेक अरोरा साहब जो दिल्ली से हमारे घर आए और उन्होंने हमें गाइड किया. लेकिन ये जो हमने बनाया ये प्रोडक्ट, इसका मेरा एक ही मुद्दा मकसद है, सबसे पहले कि मेरे चार बच्चे हाईली क्वालिफाइड है. मैं नौकरी नहीं मांगता हूँ. मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि मेरे लिए इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लाट मिले, नंबर एक. नंबर दो, मेरा जो फोलिक एसिड ये आयरन का हमने बनाया, ये ब्रेड बनाया, इसकी एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी सरकार की तरफ से होनी चाहिए. हमें ये आवाम को नहीं बताना चाहिए कि ये ब्रेड ऐसी है. अगर सरकार इसकी तशहीर करेगी, अगर सरकार इसकी पब्लिसिटी करेगी, तभी ब्रेड कामयाब हो सकती है और तभी लोग आगे आ सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इरशाद मुहिद्दीन है. हमारी बेकरी का नाम है हिलो मकबज, नौगाम, श्रीनगर में लोकेटेड है ये. जी, विद द एडवेंट ऑफ 2020 सबको पता ही है कि सबको अवेयरनेस हो गई थी हेल्थ के मामले में, तो हमने भी एक 2020 में ही इनिशिएटिव स्टार्ट किया गो हेल्दी के नाम से, जिसमें हमने ये करना चाहा कि जो हमारा अपना ही स्किल सेट है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें लोगों को बेहतर बेकरी देने के लिए. तो उस वजह से हमने बिस्किट्स में हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज़ किए जैसे स्पाइसेस, हर्ब्स, सीड्स, वो यूज़ किए जिससे हमें वेरी गुड रिजल्ट्स मिले. उसके बाद 2022 में हमने
जो भी अवेयरनेस हमें मिली थी FSSAI जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उनकी वसादत से, उनकी गाइडेंस की वजह से हमने ब्रेड को आज लॉन्च किया है। इस ब्रेड में हमने फोर्टिफाई किया है विद आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। ये हमने चूँकि इसलिए किया है क्योंकि इंडिया में अबाउट 65-70% एनीमिक है जिनमें आयरन की कमी पाई जाती है। तो हमने इसी वजह से ये कोशिश की कि हम अपने ही प्रोडक्ट से कैसे लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। दैट्स आवर सोल पर्पज़।